नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं साक्षी गुप्ता, आइए आपको ले चलते हैं देश विदेश की तमाम 25 खबरों पर। यूरोप में कोरोना केस मिलने के रिकॉर्ड टूटे, दक्षिण अफ्रीका में चौथी लहर की आशंका। पीएम के लाल टोपी वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, बोले वादे नहीं निभाए इसीलिए बदली पीएम की भाषा। केंद्र ने किसानों को भेजा नया प्रस्ताव, 2 बजे सिंधु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग। दक्षिण अफ्रीका में हालात बिगड़े, अस्पताल में भर्ती होने वाले कोविड मरीजों की संख्या एक दिन में दुगनी। प्रियंका ने जारी किया शक्ति विधान, बोली 40% सरकारी राशन दुकानों का संचालन करेंगी महिलाएं। 86 साल के हुए धर्मेंद्र एक्टर ने कहा, मैं खुद को अपनी जवानी की याद दिलाता हूँ, राजनीति में आना मेरी बदकिस्मती थी। साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन आने के बाद बच्चों में संक्रमण बढ़ा, 5 साल से कम उम्र के बच्चे हो रहे संक्रमित। देश का सबसे लंबा किसान आंदोलन पंजाब से सुलगी चिंगारी, इतिहास में पहली बार 375 दिन दिल्ली में घेराबंदी, बड़ी हिंसा नहीं फिर भी 700 की मौत। कंगना रनौत की तेजस की रिलीज डेट हुई अनाउंस, 2022 में दशहरा पर सिनेमा घरों में रिलीज होगी फिल्म। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का मामला, पत्नी को प्रेमी से दूर रखने के लिए नया मकान लिया, पत्नी को लगा प्रेमी से अकेले नहीं मिल पाएगी इसलिए मरवा दिया। भोपाल के आधे नर्सिंग होम हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी नहीं, अब 10 दिन में ऑडिट कराना जरूरी, सर्टिफिकेट नहीं दिखाया तो कार्यवाही। एमपी में 24 घंटे में 14 नए केस, भोपाल में सबसे ज्यादा 7 पॉजिटिव मिले, इसमें यूके और कनाडा से लौटे 2 लोगों के सैंपल जीनोम जांच के लिए भेजे। जेल परिसर में लेखन प्रक्रिया, भोपाल सेंट्रल जेल में 1000 बंदियों ने 2.5 साल में 1,26,72,000 गायत्री मंत्र लिखे। राहुल गांधी से मिले शिवसेना सांसद संजय राउत, कहा विपक्ष का केवल एक मोर्चा होना चाहिए। अमेरिकी साइंटिस्ट एंथनी फोसी का दावा, डेल्टा वेरिएंट से कम खतरनाक है ओमिक्रॉन। बॉर्डर रॉडर्स ऑर्गेनाइजेशन में 354 पदों पर निकली भर्ती, ऑफिशियल वेबसाइट पर 45 दिन तक कर सकते हैं आवेदन। बीजेपी नेता की बेटी बनेगी ठाकरे परिवार की बहू, दूल्हा शिवसेना का लीगल एडवाइजर तो दुल्हन इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन की डायरेक्टर। मोदी की बीजेपी सांसदों को चेतावनी, पीएम ने कहा बदल जाइए वरना बदल दिए जाएंगे, बच्चों जैसा बर्ताव न करें। किसान संगठनों की कमेटी गृह मंत्रालय से करेगी बात, सरकार से भेजे ड्राफ्ट को सही करने की मांग करेंगे, केस वापसी पर चाहते हैं ठोस आश्वासन। गोरखपुर में पीएम का सपा पर तंज, लाल टोपी वालों को सिर्फ लाल बत्ती से है मतलब, ये यूपी के लिए खतरे की घंटी। लोकसभा में राहुल का सरकार पर तंज, पीएम किसानों से माफी मांगते हैं लेकिन आंदोलन में मरे किसानों की संख्या नहीं जानते। यूपी की महिलाओं को प्रियंका का बम्पर ऑफर, स्मार्टफोन स्कूटी सिलेंडर और बसों में यात्रा मुफ्त, पहली बार महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र। 5 जनवरी तक लखनऊ में धारा 140 लागू, धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध, मंदिर मल्टीप्लेक्सों में भी प्रतिबंध लागू। लालू परिवार में क्रिश्चियन दुल्हन की चर्चा, तेजस्वी यादव कल दिल्ली में सगाई करेंगे, परिवार और पार्टी के चुनिंदा लोगों को ही न्योता। देश का सबसे बड़ा टेक इवेंट शुरू, इंडियन मोबाइल कांग्रेस में मुकेश अंबानी, बोले 5G पहली प्राथमिकता। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।